कमोडिटी मार्केट से जुड़ी हर खबर सिर्फ न्यूज मार्केट्स 24 पर, खबर काम की। नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल न्यूज मार्केट 24। बात करेंगे दलहन बाजार के बारे में, जानेंगे दलहन बाजार में खास तौर से उड़द और मूंग दाल के बारे में, साथ देखेंगे चने में किस तरह का कारोबार देखा जा रहा है, चने को लेकर किस तरह की खबरें बाजारों में आ रही हैं। मगर उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और साथ ही बेल नोटिफिकेशन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलिए। तो खास तौर से सबसे पहले बात करते हैं दलहन बाजार में उड़द दाल के बारे में। उड़द दाल को लेकर खबरें ये हैं कि बर्मा में डॉलर में उड़द के दाम में बड़ी गिरावट दर्ज करी गई है, जिसकी वजह से घरेलू बाजार में भी दबाव। बर्मा सेंट्रल बैंक द्वारा अपनी मुद्रा को कमजोर करने के कारण डॉलर की वजह से उड़द का जो दाम है वो बाजारों में नरम हुए हैं। चेन्नई में रेडी में जो उड़द का स्टॉक है और जो दाम है वो दोनों काफी कम है। अधिकतर उड़द में कम फॉरवर्ड अक्टूबर में है और वहीं इसमें भारी बिकवाली भी देखी जा रही है। घरेलू बाजार में फिलहाल बर्मा के डॉलर के व्यापार पर पूरा देश निर्भर कर रहा है और उड़द की बुआई लगभग पूरी हो चुकी है महाराष्ट्र, गुजरात और उत्तर प्रदेश में, और साथ ही दक्षिण भारत में फसल कमजोर, और साथ ही मध्य प्रदेश में और राजस्थान में बुआई कुछ कम होने की रिपोर्ट सामने आ रही है। लेकिन फिलहाल के लिए फसल जो है वो ठीक ही नजर आ रही है। महाराष्ट्र के कुछ क्षेत्रों में नई उड़द की आवक फिर से शुरू है और अगर इस तरह से देखा जाए तो सितंबर में नई आवक बढ़ने की उम्मीद लगाई जा रही है। और इसको देखते हुए एक मार्केट के उतार चढ़ाव की जानकारी और मार्केट का ट्रेंड जानने के लिए जुड़े सुबह 9:30 बजे लाइव न्यूज मार्केट 24 पर अजय सिंह के साथ। डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके अभी ज्वाइन करें। इसको देखते हुए एक रेंज बाउंड दायरे में बाजारों में कारोबार देखा जा सकता है। सीमित दायरे में जो कारोबार देखा जाएगा उसको देखते हुए आप जरूरत के हिसाब से इसमें व्यापार करके चलिए। ज्यादा लंबी चौड़ी तेजी या मंदी बनने की उम्मीद नजर नहीं आ रही है। इसके बाद में अगर मूंग दाल के बारे में बात करते हैं तो मूंग दाल में सुस्त मांग और समान बुआई की रिपोर्ट सामने आ रही है और साथ ही मूंग के दाम पर दबाव देखा जा रहा है। मूंग की सरकारी खरीद में भी सुस्ती की वजह से मंडियों में आवक समान है और जानकारों के अनुसार पंजाब सरकार द्वारा मूंग किसानों को 1,000 रुपए देगी और साथ ही राज्य सरकार द्वारा खरीदी में उदासीनता की वजह से मंडियों में बिकवाली इस वक्त बढ़ी है और साथ ही उड़द दाल की तरह मूंग में भी ज्यादा तेजी बनने की संभावना कम नजर आ रही है। जब सरकार खरीफ मूंग की MSP शुरू करेगी तो भाव का सपोर्ट मिलेगा, यानी तब आने वाले समय में आपको तेजी देखने को मिल सकती है। और इसी के साथ मूंग में फिलहाल एक सीमित दायरे में कारोबार देखने को मिल सकता है, एक रेंज बाउंड दायरे में बाजार काम कर सकता है। और साथ ही दलहन बाजार को लेकर खबरें ये भी हैं। चने की अगर बात करते हैं तो गुजरात के मुख्यमंत्री ने कल राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा स्कीम के तहत 71 लाख कार्ड धारकों को 1 किलो दलहन, जिसमें खास तौर से चना शामिल है, प्रति कार्ड धारकों को उचित दर पर देने का ऐलान किया। और इस स्कीम में राज्य के लगभग सभी 250 तालुकाओं को शामिल किया गया है। और साथ ही खबरें ये भी आ रही हैं खास तौर से चने को लेकर कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के तहत उत्तर प्रदेश के कार्ड धारकों को राशन से फिलहाल गेहूँ, चावल और चने को देने के लिए रियायती मूल्य चुकाना पड़ सकता है। हालांकि ये जो योजना है ये जून तक थी और सरकार द्वारा इस योजना को बढ़ाए जाने के लिए अभी कोई भी घोषणा नहीं करी जा रही है। तो दलहन बाजार में खास तौर से मूंग और उड़द दाल में इस तरह का कारोबार आपको देखने को मिल सकता है, एक रेंज बाउंड दायरे में दलहन बाजार कारोबार कर सकता है। ज्यादा तेजी और मंदी बनने की उम्मीद नजर नहीं आ रही है। जरूरत के हिसाब से आप इसमें गिरावट पर खरीदारी करें। लॉन्ग टर्म के लिए आप खरीदारी करने से पहले बाजारों में इस वेट एंड वॉच करके चले। जब बाजार ठीक से काम करता है, आने वाले समय में आपको तेजी देखने को मिलती है, तभी आप इसमें ऊपरी स्तर से खरीदारी या बिकवाली करके चल सकते हैं। तो आज की खबरों में सिर्फ इतना ही। अगर आज की खबरें आपके लिए यूजफुल हो तो लाइक जरूर कीजिए और अपना फीडबैक कमेंट सेक्शन में हमें जरूर दीजिए। मिलते हैं आपसे अगली खबरों के साथ, तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे सेफ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज मार्केट 24।